नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंद्रजौ। इंद्रजौ का नाम आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने सुना होगा। इंद्रजौ दो प्रकार का होता है, इंद्रजौ मीठा और इंद्रजौ कड़वा। आज हम इंद्रजौ कड़वे की बात करेंगे क्योंकि आयुर्वेद में अधिकतर जगह जो प्रयोग होता है वो इंद्रजौ कड़वा ही होता है। आप इसे एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब आप बाह्य रूप से और इसे खाकर भी इसके लाभ उठा सकते हैं। अगर बाह्य रूप की बात करें तो आप इसका लेप लगा सकते हैं अपने किसी अंग पर, या फिर आप इसके तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इंटरनल या फिर आप इसे खा के किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसके लिए आप इसका पाउडर बना सकते हैं, इसका काढ़ा बना सकते हैं और इसके सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसका प्रयोग अपनी बीमारी के अनुसार करना होता है। बीमारी के अनुसार ही आप इसके अनुपान करेंगे कि जैसे आप इसे गुनगुने पानी के साथ लेंगे, गुनगुने दूध के साथ लेंगे, शहद के साथ लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं आप किस रोग से ग्रसित हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रयोग उन लोगों के लिए जो रक्त बवासीर से ग्रसित है, जिनको मल के साथ रक्त आता है। ये आपके मल में आने वाला रक्त न सिर्फ आपको कमजोरी देता है, बल्कि अक्सर देखा गया है कि लोगों में फिर इरिटेशन बहुत बढ़ जाती है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस दशा में वो इंद्रजौ का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, उनको तीन चीज़ें लेनी है, इंद्रजौ कड़वा, हरड़ का छिलका और मकौड़े। तीनों 50-50 ग्राम की मात्रा में लें। तीनों को अलग अलग कूट पीस के चूर्ण बना लें। उस पाउडर को फिर बाद में मिला लें। प्रतिदिन एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद, सुबह और शाम यदि वो निरंतर लेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उनकी ये रक्त बवासीर की समस्या कम होती चली गई है। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग गठिया से ग्रसित लोगों के लिए। जो ये गठिया है वो मोटे तौर पे दो तरीके की होती है, एक रूमेटाइड और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आगे जाके इसके और भी भाग होते हैं, लेकिन हम सिर्फ गठिया के दर्द की बात करते हैं, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ अकड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है और जो आम दिनचर्या के काम होते हैं वो भी व्यक्ति के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तीन जड़ी बूटियाँ लेनी है, इंद्रजौ कड़वा 50 ग्राम, गोंद कुंदू 50 ग्राम और रासना पत्ती 50 ग्राम। इन तीनों को कूट पीस के चूर्ण बना लें और वो चूर्ण एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लें। यदि वो लगातार इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे जोड़ों में रहने वाला सालों पुराना दर्द, या फिर कभी ऐसा होता है कि आपके जोड़ चलने में कटकट की आवाज़ करते हैं, आपके जॉइंट से लुब्रिकेशन कम हो गया है, तो उन दोनों ही समस्याओं को साधने का काम करता है इंद्रजौ का ये कंपोजिशन। और दोस्तों, वो लोग जो पथरी के रोग से ग्रसित हैं, जिनके पथरी हो गई है। अब पथरी के साथ समस्या क्या होती है, जो इसका दर्द होता है वो असहनीय होता है। रोगी सोचता है कि किसी भी तरीके से मुझे इस दर्द से निजात मिल जाए। आप इस इंद्रजौ का प्रयोग वहाँ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप बड़ा गोखरू लें और इंद्रजौ दोनों 100-100 ग्राम की मात्रा में लें, कूट के उनका चूर्ण बनाएं, चूर्ण को छान लें, बाद में दोनों चूर्ण को मिला लें और सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटे बाद एक एक चम्मच गुनगुने पानी से इसका नियमित सेवन करें, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में 8 से लेकर 9 mm तक की भी पथरी है तो वो खुल के शरीर से बाहर हो जाती है। और वो लोग जिनकी पथरी 9 mm से भी ज़्यादा है तो वो चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें, या फिर आप हमारी अन्य वीडियो देखें जिसमें हमने पथरी रोग पर पूरा डिस्क्रिप्टिव और अन्य समाधान बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने शरीर से पथरी को बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, इंद्रजौ का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी होता है। ऐसे लोग जिनके शरीर में इंसुलिन बहुत लिमिटेड मात्रा में बन रहा है, तो वो अपने शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को अपने शरीर के अनुसार बढ़ाने के लिए भी इंद्रजौ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करें, 100 ग्राम इंद्रजौ, 100 ग्राम सूखी जामुन की गुठली और 100 ग्राम गुड़मार बूटी ले लें। इन तीन चीज़ों को मिलाएं, पहले अलग अलग कूट के इनका पाउडर बनाएं, बाद में वो पाउडर मिला लें और एक चूर्ण तैयार कर लें। सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटे बाद गुनगुने पानी से नियमित उसका सेवन करें, तो वो देखेंगे धीरे धीरे उनके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन का बनना बढ़ गया है, और जो वो इंग्लिश दवाइयों पर बहुत लंबे टाइम से डिपेंड थे, धीरे धीरे उन्हें अब उन दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं है। और दोस्तों, इसका एक और प्रयोग उन लोगों के लिए जो बार बार UTI से ग्रसित हो जाते हैं, मूत्र पथक जो संक्रमक हो जाता है, उन लोगों के लिए किस तरह उपयोगी है। ऐसे लोगों को तो पहले परेशानी ये होती है कि मूत्र विसर्जन में उन्हें दिक्कत होती है, जलन होती है, बार बार पेशाब आता है, रुक रुक कर पेशाब आता है। इन सारी समस्याओं का समाधान है ये इंद्रजौ कड़वा। अब आपको क्या करना है, इस बार आप छोटा गोखरू लें
और इंद्रजौ कड़वा लें। दोनों 100-100 ग्राम की मात्रा में लेके कूट पीस के उनका चूर्ण बनाएं। उन दोनों चूर्णों को मिला लें और एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे वो लोग जिनको बार बार UTI होता है, बार बार मूत्र नलिका में संक्रमण होता है, वो फिर कभी दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, इंद्रजौ कड़वा या अन्य कोई भी जड़ी बूटी यदि आप अपने घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.jadibootistore.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम अवश्य आएगी। यदि ऐसा है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।